अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स। सीकेंट एक्स जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन ऑफ स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स की जगह मैं क्या लिख जाता हूं, 1 जमा टेन ऑफ स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन एक्स को हम जी ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी जी आ जाएगा। ये रिप्लेस कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ गया डी जी और अंदर आ गया 1 प्लस जी स्क्वायर। ये अंडर रूट एस ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जी इंटू 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 1 बाई 2। ए स्क्वायर ओवर 2 1 है, ए 1 है इसलिए 1 बाई 2। लॉग ऑफ जी प्लस 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस सी। जी की वैल्यू वापस कर दें, पुट जी इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। तो टेन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 1 बाई 2। लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस सी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है सीकेंट स्क्वायर, तो बाहर आएगा सीकेंट एक्स ओवर 2 1 बाई 2। लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से काटेंगे तो यहां भी सीकेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्यूब था हमने स्क्वायर और 1 वैल्यू लिखा, सीकेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन एक्स जी लिया, डेरिवेटिव वैल्यू इससे निकली, आगे हमने फॉर्मूला लगा दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी इसी तरह कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिख लेते हैं, कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स डी एक्स। कोसेकेंट की आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 प्लस टेन कॉट स्क्वेयर एक्स, या रख देते हैं 1 प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉट एक्स को हम यहां पर जी ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये डी डी डायरेक्ट माइनस नहीं है, एक माइनस इधर लगाओ और एक इधर लगा लो, तो यहाँ ये अंदर आ जाएगा 1 प्लस जी स्केयर और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई डी जी। अंदर फार्मूला वही पीछे वाला ही लगेगा, जी इंटू 1 प्लस जी स्केयर ओवर 2 1 बाई 2। लॉग ऑफ जी प्लस 1 प्लस जी स्केयर इंटू सी। जी की वैल्यू वापस करें, कॉट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉट ऑफ स्केयर एक्स ओवर 2 1 बाई 2। लॉग ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉट ऑफ स्केयर एक्स प्लस सी। 1 प्लस कॉट स्केयर एक्स कोसिकेंट स्केयर एक्स, स्केयर स्केयर से काटें तो कोसिकेंट एक्स ओवर 2 1 बाई 2। लॉग ऑफ कॉट ऑफ एक्स और यहां भी कोसिकेंट एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉट के कोसिकेंट स्केयर एक्स होता है, स्केयर स्केयर से काटे तो इस तरह ये आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हल हुआ हमारा।